Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। Number 1, रणबीर कपूर स्टार और रामायण को 100 मिलियन यानी कि करीब 835 करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है। और तो और दावा है कि रणबीर कपूर की यह फिल्म अलग अलग पार्ट में रिलीज होगी, जिसमें नितेश तिवारी धांसू स्टाइल में रामायण दिखाने वाले हैं। फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि साल 2024 के एंड या फिर अगले साल के शुरुआती महीने में फिल्म रामायण का पहला पार्ट रिलीज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के लिए अभी लंबा वेट करना पड़ेगा। रणबीर और साई पल्लवी की फिल्म के निर्माता अक्टूबर 2027 में फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, यानी अभी फिल्म के लिए फैंस को 3 साल का लंबा इंतजार करना होगा। Number 2, बिश्नोई समाज ने सलमान खान को माफ करने का मन बना लिया है। जी हाँ, सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी थी। हालांकि बिश्नोई समाज ने सोमी की माफी को कबूल तो नहीं किया और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया ने कहा कि अगर 27 साल पुराने इस मामले में सलमान खान उस जगह पर जाकर माफी मांग लें तो बात बन सकती है। इस समाज के प्रबुद्ध जन आपस में बैठकर इस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कहा गया कि अगर सलमान आकर अपनी गलती कबूल करते हुए माफी मांग लें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। Number 3, अक्षय कुमार स्टार और वेलकम टू द जंगल को काफी ग्रैंड बनाने की कोशिश हो रही है। डायरेक्टर अहमद खान चाहते हैं कि इसे बड़े स्केल पर माउंट किया जाए। इसी के तहत गोरेगांव में फिल्म का सेट भी बनाया गया है। टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का सेट 10 एकड़ में फैला हुआ है। ये कश्मीरी टाउन का सेट है। सेट बनाते समय हर बारीकी चीज का ध्यान रखा गया है ताकि जनता को ऑथेंटिक चीज परोसी जा सके। बता दें कि इस फिल्म में 25 एक्टर्स नजर आने वाले हैं। Number 4, साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने अपकमिंग फिल्म वॉर 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। काफी वक्त से एनटीआर इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में थे। पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद वो मुंबई से हैदराबाद लौट गए हैं। जूनियर एनटीआर फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि 20 मई को वॉर 2 का पोस्टर या टीजर भी जारी हो सकता है, क्योंकि 20 मई को जूनियर एनटीआर का जन्मदिन होता है। इस खास मौके पर मेकर फिल्म में उनकी भूमिका से पर्दा उठा सकते हैं। Number 5, कांस 2024 में कियारा अडवाणी दिखाएंगी अपने ग्लैमर का जलवा, इंडिया को करेंगे रिप्रेजेंट। दरअसल 77th कांस फिल्म फेस्टिवल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये 18 मई 2024 को ला प्लाजा डेज फार्म्स में आयोजित होंगे। कियारा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पैनल में भाग लेने के लिए तैयार हैं। Number 6, सलमान खान बिग बॉस OTT का तीसरा सीजन होस्ट क्यों नहीं करेंगे? अब इसके पीछे की मेन वजह सामने आ गई है, क्योंकि इस शो के डेट्स उनकी फिल्म सिकंदर की शूटिंग से टकरा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस OTT 3 जून के पहले हफ्ते से शुरू होने वाला है। वहीं सलमान खान मई के आखिरी में अपनी फिल्म सिकंदर का शूट शुरू करने वाले हैं। यह 12 दिन लंबा शेड्यूल बताया जा रहा है, जिसमें कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे, जिसके बाद अगस्त से फिल्म की फुल फ्लेज्ड शूटिंग शुरू होगी। Number 7, संजय लीला भंसाली नहीं बनाएंगे हीरा मंडी 2। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। संजय लीला भंसाली ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि वो हीरा मंडी 2 नहीं बनाएंगे। डायरेक्टर ने आगे बताया, हीरा मंडी बनाना बहुत मुश्किल था और ऐसा काम है जिसे दोबारा नहीं किया जा सकता। मैं भगवान का आभारी हूँ कि हमने हीरा मंडी बनाया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। कोई भी हीरा मंडी को दोबारा नहीं बना पाएगा, ना ही मैं इसे दोबारा बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक बार ही होता है। Number 8, पंचायत 3 का नया पोस्टर जैसे ही आउट किया गया, उसके बाद अब ये वायरल हो रहा है। वेब सीरीज पंचायत का तीसरा सीजन आने वाला है। इसे लेकर फैंस काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे और अब वो इसे देख पाएंगे 28 मई को अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इससे पहले 17 मई को इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। Number 9, सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस के हाथ छठा आरोपी लगा है। मुंबई पुलिस ने छठे आरोपी हरपाल सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने हरियाणा से एक और आरोपी गिरफ्तार किया है। हरियाणा से गिरफ्तार छठे आरोपी का नाम हरपाल सिंह बताया जा रहा है। हरपाल पर आरोप है कि उसने मोहम्मद रफीक चौधरी को पैसे देकर रेकी करने के लिए कहा था।
नंबर 10, अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी आलिया भट्ट। देखिए, अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने फिल्म खट्टा मीठा में काम किया है। अक्षय कुमार को लेकर खबर है कि वो प्रियदर्शन के साथ एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म करने वाले हैं। अब अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म के लिए आलिया भट्ट का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। नंबर 11, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता बॉयफ्रेंड संग करेंगे शादी और बच्चे। देखिए, ईशा गुप्ता ने अपनी शादी और बच्चों को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बात की है। ईशा गुप्ता ने कहा कि वो बॉयफ्रेंड मैनुअल कैंपस से शादी करेंगी और फ्यूचर में बच्चे भी होंगे। ईशा गुप्ता ने कहा कि मैंने हमेशा बच्चे पैदा करने का सपना देखा है, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती अब तक 3 बच्चों की माँ होती। बता दें कि ईशा ने साल 2017 में अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे। नंबर 12, सैफ अली खान की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद से सैफ अली खान की उनकी पत्नी करीना कपूर खान से डिवोर्स की अटकलें लगने लग गई हैं। दरअसल सैफ अली खान हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे और कैमरे में कैद हो गए। ऐसे में सैफ अली खान की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों का उनके हाथ पर बने टैटू पर ध्यान गया। सैफ अली खान के हाथ पर पहले उनकी पत्नी करीना का नाम लिखा था, लेकिन अब वहां पर दूसरा टैटू बन चुका है। टैटू बदला हुआ देखने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है और कयास लगाना भी शुरू कर दिया है कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान का डिवोर्स होने वाला है। नंबर 13, सुनील पाल को सुनील ग्रोवर की कॉमेडी से घिन आती है। जी हाँ, कॉमेडियन सुनील पाल ने द ग्रेट इंडियन कपल शो में नजर आ रहे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर पर निशाना साधा है। सुनील पाल ने कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा के शो पर निशाना साधा था। अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें सुनील ग्रोवर की परफॉर्मेंस से घिन आती है। सुनील पाल का कहना है कि कॉमेडी करो लेकिन अश्लीलता मत फैलाओ। नंबर 14, तब्बू को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब्बू को ड्यून प्रोफेसी नाम की अमेरिकी सीरीज मिली है। उन्हें नियॉन काइट और यूनाइटेड एजेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नंबर 15, साउथ इंडस्ट्री के एक्टर चेतन चंद्र पर एक गैंग ने हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चेतन चंद्र ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। चेतन चंद्र ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। चेतन चंद्र ने बताया है कि वो मदर्स डे के दिन अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रहे थे और तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।